संडे का दिन था और मेरे हस्बैंड, बच्चों, किसी को भी रोटी पराठे खाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा बना दूँ जो उनके लिए हेल्दी तो हो ही, साथ में टेस्टी भी हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया से होंगे। तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियों को ले लिया है और मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है गोभी, शिमला मिर्च और आलू। आप यहाँ पर अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब मैं इन्हें बारीक चॉप करूँगी एक चॉपर में डालकर। तो मैं सबसे पहले आलू को चॉप कर ले रही हूँ, क्योंकि आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे बारीक चॉप करूँगी। तो देखिए, आलू को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो मैं बना रही हूँ एक प्रोटीन चीला जो सबके लिए हेल्दी और टेस्टी होगा। अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हो तो आप आलू को स्किप कर दीजिएगा, आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने गोभी और शिमला मिर्च लिया है, आप गाजर, पत्ता गोभी, इवन मशरूम भी आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बाकी सब्जियों को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ मैंने लिया है एक ब्लेंडर जार, इसमें मैंने डाल दिया है भीगी हुई मूंग की दाल, भीगी हुई उड़द की दाल। दालों को मैंने रात भर भीगने के लिए रख दिया था, मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आज क्या बनाऊंगी। इसमें मैं डाल दूंगी हींग, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़े से अदरक डाले हैं मैंने, 4-5 हरी मिर्च डाल दिया है और सबको मैं पीस लूंगी। देखिए, मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है। तो ये प्रोटीन चीला बहुत टेस्टी लगता है, इसमें सारी सब्जियां हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, इससे पेट तो भरा भरा लगता ही है, साथ में बहुत टेस्टी लगता है, तो बच्चे टिफ़िन फिनिश करके लाएंगे। तो यहाँ मैंने बाउल में डाल दिया है अपने दालों को और अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी और एक प्याज डाल दिया है बारीक चॉप किया हुआ, सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी चीला बनेगा ये। बहुत आसान सा नाश्ता है ये दोस्तों, अगर आप पूरी तैयारी करके रखेंगे दालों को धुल धुल कर, तो 10 से 5 मिनट में ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए, मैंने तवा चढ़ा दिया है, हम तो सरसों तेल में डाल दूँगी, सरसों तेल में ही ये चीला बहुत अच्छा लगता है। हमें मोटा सा चीला बनाना है, हमें कोई पतला नहीं बनाना है। और हाथों से मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी, देखिए ऐसे, हमें पतला नहीं बनाना है क्योंकि पतला बनाएंगे तो ये चीला टूट सकता है। थोड़ी देर हमें रहने देना होगा, जब ये अच्छे से ऊपर से पकने लगे तभी हमें पलटना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो अब मैं इसे साइड से तेल डाल दूंगी ताकि ये नीचे से भी अच्छा कलर में आ जाए। तो देखिए कितना बढ़िया चीला हमारा पक चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये आप इसे ट्राई कर सकते हैं, संडे संडे आप फटाफट से बनाना होगा तो आप इसे बना के अपने हस्बैंड और बच्चों को खिला सकते हैं, बहुत समय बचेगा। तो मैंने जल्दी से बना लिया था एक चटनी भी, मैंने पीनट चटनी बनाई थी और जब उन्हें खिलाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो जो दूसरा मैंने चीला बनाया था उसे मैंने ट्रायंगल शेप में काट दिया है, क्योंकि जब आप बच्चों को दें इस तरह की हेल्दी चीज़ें तो थोड़ा सा टेक्निक दिखाना पड़ता है। बच्चों को अगर ट्रायंगल शेप में दिया जाए तो उन्हें थोड़ा अलग सा लगता है और फटाफट से वो खा लेते हैं, मेरा छोटा बेटा तो फटाफट से खा लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, थैंक यू।